फ्रेंड्स, मैं अनुश्री और मेरी चैनल श्रीस फैशन में आप सभी का स्वागत है। फाइनली वो दिन आ गया। बाप रे, 6:20 हो गए, मुझे 7 बजे निकलना है। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ मैं पूरी जगन्नाथ जी को अपने घर पर लाने के लिए। सो गाइस, मेरा ये जो नया ब्लॉग आएगा वो आएगा पूरी जाने का, जगन्नाथ जी को घर में लाने के लिए। और साथ में पूरी में मैं कुछ जगहों में भी जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को एक अच्छे से अच्छा वर्चुअल टूर करा सकूं। चलो अभी बात ज्यादा नहीं करेंगे, फिर मिलते हैं कैब बुक करने के बाद और मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। बाय बाय। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मेरे साथ 1, 2 और मेरा कैमरा का बैग, ये मेरे 3 लगेज है। कैब अभी आने वाली होगी तो कैब पे बैठने के बाद फिर से बात करते हैं। बाय बाय। फाइनली मेरा कैब आ गया और चलिए मेरे साथ हावड़ा स्टेशन तक। फाइनली मैं रवाना दे दी हूँ। अभी पता चला कि चिड़िया मोड़ के उस तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए मेरा रूट थोड़ा चेंज हो गया है। अब मैं बाली होके जाऊँगी और समय से पहले ही गंगा जी का दर्शन भी कर पाऊँगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए शाम के कलकत्ता को और साथ में खास करके कलकत्ता का ट्रैफिक। ये हम लोग अभी डनलप क्रॉसिंग से बाहर जा रहे हैं। जाते जाते मैं बताती हूँ कि क्यों मैं जगन्नाथ जी को लाने के लिए आज पूरी जा रही हूँ। कई महीनों से वो मुझे परेशान कर रहे थे, मैं जहाँ भी देखती बस वही दिखाई देते। पहले एक और बात, जाने के समय दक्षिणेश्वर टेम्पल के ऊपर से जाएंगे, अगर हो सकेगा तो मैं दूर से आप लोगों को दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सोते खाते हर टाइम उनका चेहरा मुझे दिखाई देता। मेरे पूछने पर जवाब आया मुझे पूरी जाना है उनको लाने के लिए, और कहाँ से लाना है वो भी वो बता चुके थे। फिर क्या, फिर बस मुझे ये इंतज़ार था मैं कब जाऊँ कैसे जाऊँ। मौसम बड़ा ही सुहाना है, बारिश हो रही है और कुछ अलग ही मज़ा है बारिश वाली शाम की है। थोड़ा प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन जगन्नाथ जी को लाने के चक्कर में ये प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम जैसा लगा ही नहीं। आँख बंद करते करते कैसे मैं पहुँच गई। PWD रोड पकड़कर चलने के टाइम मैंने सोचा कि पीछे के शीशे से आप लोगों को बारिश वाली रास्ते की व्यू दिखाऊं, पर शीशा इतना गंदा था कि वो मेरे कंट्रोल से बाहर था। ऐसे ही चलते चलते बिना साफ सुथरा किए हुए शीशे के बीच में से बाहर की दुनिया देखते हुए लोग बाली ब्रिज की ओर बढ़ते चले गए। लगभग दक्षिणेश्वर पहुंच गए हैं और थोड़ा सा 100 मीटर करीब जाने के बाद हम लोग बाली ब्रिज पकड़ेंगे। बाली ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। कहाँ है गंगा जी? हरा भरा पेड़ों को देखकर कितना मज़ा लग रहा है, सच में ये एहसास है, इसको मैं किसी भी हालत में बांट नहीं पाऊँगी। बस आपको बता सकती हूँ
और अब आप लोग उसको सिर्फ फील कर पाओगे। फाइनली सारे पेड़ों की मंडी ख़त्म और हमें बगल वाला ब्रिज देखने को मिल गया है। गंगा जी को तो मैं शायद आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि कैब से उतना दूर तक की सीन दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे बहुत इंसान हैं जो भगवान के चमत्कार को नहीं मानते हैं, पर मैं मानती हूँ क्योंकि एक हफ्ता पहले तक ना तो मेरे हाथ में उतना पैसा था कि मैं पूरी जाऊँ टूर करने जगन्नाथ जी को लाने, और ना तो मेरे पास टिकट वगैरह था, ना तो मुझे ये पता था कि मंदिर खुला हुआ है भी कि नहीं, और ना मुझे ये पता था कि एक वैक्सीन लेने के बाद वो लोग मंदिर में आसानी से एंट्री कर देंगे या नहीं। लेकिन सब कुछ जैसे जादू जैसा मुझे पता चल गया। सोची कि शाम के कलकत्ता दिखाएंगे आप लोगों को, पर देखने को मिला बाली, बेलूर और हावड़ा, यानी कि जीटी रोड पकड़ के हम लोग अभी जा रहे हैं हावड़ा की तरफ। सामने जो दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे तो टोटो बोलते हैं, शायद उड़ीसा में इसको टुक टुक बोलते हैं, और पता नहीं अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है। आज मेरे पूरी जाने के पीछे राज क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हावड़ा पहुँचने के बाद। तब तक मेरे साथ थोड़ा सा रास्ता चलिए और ऐसे ही होगी, देखते देखते बस हावड़ा पहुंच जाएंगे। मैं थोड़ा सा रिस्क लेके बाहर से फोटो खींच रही थी। सोची तो थी कि मैं हावड़ा जाने के बाद अपने पूरी जाने का राज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन एक्साइटमेंट में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि मैं क्यों पूरी जा रही हूँ। क्या करे, मुझे लग ही रहा था कि आज थोड़ा सा ट्रैफिक हो सकता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकली हूँ। ट्रेन तो मेरा है 10:40 पर मैं थोड़ा सा जल्दी ही निकल गई, पर ये जो रूट है ये तो खाली है। कभी कभी गूगल ठीक ठाक बता देता है और कभी कभी छोटे से पतले से गली के अंदर जाके फंसा देता है। और ये मुझे जो लेके जा रहे हैं भैया, आपका नाम क्या है? चंदन कुमार सिंह। रतन? चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार सिंह, ठीक है। उन्होंने बताया कि जैसे ही 8 जाएगा तो फिर जीटी रोड भी पूरा ट्रैफिक जाम में फंस जाएगा और हमें बहुत दिक्कत होगी, लेकिन फिलहाल खाली है। और ये उन्हीं का सुझाव था कि मैं चिड़िया मोड़ छोड़ के इसी रोड से जाऊँ, क्योंकि वो मुझे पिकअप करने से पहले उसी रोड से आए हैं चिड़िया मोड़ से ही, और उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी मिला। चलो मिलते हैं हावड़ा पहुँच के। कि हावड़ा जाकर ही मिलेंगे, लेकिन उससे पहले बीच रास्ते में गणपति विसर्जन का एक टोली देखकर मुझसे रहा नहीं किया। मैं फिर उसका रिकॉर्डिंग की और फिर आप लोगों के साथ शेयर की। गणपति बप्पा मोरिया। जितनी मैं हावड़ा के पास पहुंच रही थी, पता नहीं क्यों मेरी अंदर की खुशियां उतनी ही बढ़ती जा रही थी। एक अलग ही एक्साइटमेंट फील हो रहा था।
दूर से ही बस हावड़ा ब्रिज दिखाई दी और मेरी खुशियों की टोली जैसे बिखर गई। खुशियों के मारे बस एक ही नाम घुस झलक रहा है, हावड़ा हावड़ा एंड हावड़ा। क्योंकि मेरी ट्रेन 17 से 23 के बीच में लगेगी, इसलिए मैं जा रही हूँ नए प्लेटफॉर्म की ओर। फाइनली मैं पहुंच गई नए कॉम्प्लेक्स के सामने। अब मैं अंदर जाऊंगी। सच कहूँ तो मैं सोलो ट्रैवलिंग करती हूँ, इसीलिए शायद आप लोगों को बहुत कम जगह ही मैं दिखूंगी, क्योंकि मुझे अपने सामान का भी ध्यान रखना पड़ता है और साथ में वीडियो भी करना पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी लगातार आप लोगों के सामने आने के लिए। नहीं भैया, जा रहे हैं अंदर। ये एंट्री है 22-23। बहुत कम टैक्सी है, इतना लंबा लाइन है। वीडियो करने के चक्कर में मैं बिना देखे ही एग्जिट वाले रास्ते से अंदर जाने की कोशिश की और देखिए तुरंत ही अबाउट टर्न। इस बार मैंने ठीक ठाक एंट्री तो लिया, पर आगे चल के मेरे साथ क्या हुआ वो भी सुनिए। वो जो आपने पीछे से आवाज सुनी ना, ओ मैडम, वो पुलिस वाला मुझे ही बुला रहा था और आखिर में आके मेरे पास पहुंच भी गया और उसने कहा कि मैं किसके परमिशन से वीडियो बना रही हूँ। मैंने उनको बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने वीडियो बना लिया, लेकिन और नहीं बनाऊंगी। बोलते बोलते मैंने इतना सा वीडियो तो बना ही नहीं लिया हावड़ा का। खाना खाकर निकले हैं, फिर भी बाहर खाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। और अभी मैं हूँ जनाहा कैंटीन में और ये ट्रेन आ गई, मेरी ट्रेन आ गई।
फाइनली ट्रेन तक पहुंच गए हैं, एकदम सामने की तरफ है मेरी कोच। ऐसे मैं बात करना चालू करती हूँ, फिर अनाउंसमेंट चालू हो गया। अनाउंसमेंट ही सुनते रहे। मैं बिल्कुल प्लेटफॉर्म के सामने की तरफ हूँ। लग रहा है कि पूरी उतर के ज़्यादा चलना ही नहीं पड़ेगा। ट्रेन छूट चुकी है और मैं जा रही हूँ पूरी, अपने जगन्नाथ जी के पास। पूरी का मतलब हम लोग हमेशा समझते हैं कचौड़ी वगैरह जो हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन पूरी का असली मतलब है घर। और पूरी जो जगह है उसको जगन्नाथ के घर कहा जाता है। तो फिलहाल आपके लिए बाय बाय हावड़ा, बाय बाय कोलकाता। ट्रेन की ये जो आवाज़ आती है वो कुछ अनोखा ही है। क्योंकि रात का टाइम है इसलिए मैं गेट के सामने से तो वीडियो बना नहीं पाई। वहाँ पे पुलिस खड़ी है, वो भी लेडी पुलिस। तो उन्होंने कहा कि आपको वीडियो अगर बनाना है तो अपने सीट में बैठ के ही बनाइए, यहाँ से ही बोल, क्योंकि उनको गेट बंद करना था। थोड़ा टाइम चलते हैं आप लोगों को लेके, उसके बाद गुड नाइट बोलेंगे, हो सका तो सुबह फिर से मिलेंगे। ट्रेन तब तक कटक पहुंच चुकी थी और बस 10 ही मिनट लेट थी। छूट गई ट्रेन, छूट गई। स्टॉपेज लगती है 5 मिनट की। मौसम बड़ा ही सुहाना है। सिग्नल हो गया या
ट्रेन का राइट टाइम था 5:35 और लगभग 15 मिनट लेट से पहुंचा। इससे पहले 10 मिनट था, अभी 15 मिनट। अब देखते हैं आगे चल के ये 15 मिनट ये मेकअप कर पाता है या नहीं, वरना पूरी पहुंचते पहुंचते फिर 15 मिनट लेट हो जाएगी। थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि एक बार ट्रेन लेट होना चालू होता है तो वो लेट बढ़ती जाता है। आज तो मैं बड़े आराम से वीडियो खींच सक रही हूँ, कल कुछ अजीबो गरीब घटनाएं हुई हैं। जब मैं हावड़ा स्टेशन में वीडियो बना रही थी तो उस समय मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी यानी कि पुलिस आके मना किया, बोला आप वीडियो क्यों बना रही हैं, आप प्लेन पे चढ़ी हैं, आपको ये है आपको वो है, बता रही है। हो सकता है, मैंने इसलिए तुरंत ही वीडियो बनाना बंद कर दिया। जो भी कहा हो, फिलहाल हम लोग ओडिशा के ग्रीनरी का मज़ा ले रहे हैं। हरा भरा पेड़ एकदम हरा रंग से भरपूर, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा। ऐसा सुनहरा सुबह अगर हर रोज मिलता रहे तो क्या कहना। चलते चलते ओडिशा का पहाड़ तो दिख गया, हरा भरा खेत पेड़ सब कुछ दिख गया। अब बस इंतजार है समुंदर का और मेरे जगन्नाथ जी का, प्रभु जगन्नाथ सबके प्रभु हैं। पूरी स्टेशन के यार्ड में पहुंच गए हैं। वो दूर पूरी स्टेशन की बोर्ड दिखाई दे रही है। यहाँ पे अभी 22 मिनट पहले पहुँच गई। अगर इंडियन चाहे तो बिफोर टाइम ही हम लोगों को पहुँचा सकती है, कम से कम मेरा तो इतना मानना है। हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और पहुँचते हैं अपने गेस्ट हाउस। स्टेशन से बाहर आने के बाद मैंने पहले ऑटो वाले से बात किया, फिर ऑटो वाले ने बोला कि आप मैडम अकेली हैं तो रिक्शा ले लीजिए, खर्चा कम आएगा। तो वही सही, मैंने रिक्शा ले लिया और रिक्शे में गेस्ट हाउस तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत पूरी सिटी का व्यू भी शेयर कर ली। तो चलिए देखते देखते पहुंचते हैं गेस्ट हाउस तक। रिक्शा
रिक्शा में जाने के टाइम इधर उधर देखते देखते अचानक मेरी नज़र पड़ी बैंकों के ऊपर। तो मैंने स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, फिर इंडियन बैंक, इन सब का फ़ोटो भी निकाल के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि पता नहीं कब किसको किसकी ज़रूरत पड़े। मैं पहुंच गई अपने गेस्ट हाउस में लगभग, तो मिलते हैं बाद में फ्रेश होने के बाद।